कभी बंद नहीं होगा, महतारी बंधन योजना है ना। और 7 तारीख को आप सब लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में मिले बटन दबा के। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इन दिनों चुनावी सभाओं और बैठकों में व्यस्त हैं, पर इसके बीच वो समय निकालकर जनता से सीधे बात भी कर रहे हैं। लगभग हर दिन वो मोबाइल से खुद फोन लगाते हैं और सामने वाले को अपना परिचय देकर हालचाल पूछते हैं। खासकर महिला समूहों से बात करते समय वो महतारी वंदन योजना के पैसे मिलने का फीडबैक जरूर लेते हैं। जिनके पास फोन जाता है वो इतने सरल सहज मुख्यमंत्री की बात सुनकर खुद भी सहज हो जाता है और अपने मन में भरे सवाल भी पूछता है। मुख्यमंत्री उनके हर सवाल का जवाब देते हैं। समाज के अंतिम छोर से अपनी सरकार के कामकाज के फीडबैक लेने का यह तरीका चर्चा का केंद्र है। मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री से एक महिला प्रधानमंत्री आवास पर सवाल कर रही है तो दूसरी महिला स्वास्थ्य विभाग के वैकेंसी के बारे में पूछ रही है, जिसका मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आचार संहिता के बाद सभी काम होने का भरोसा दिलाते हैं। यहाँ वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करते भी दिख रहे हैं। जय श्री राम, नमस्कार। महतारी बंधन का 2 किस्त तो पैसा मिल गया है आप लोगों को ना? हाँ, चलिए। हाँ, फिर मिलेगा, 3रा किस्त भी मिलेगा। कांग्रेसी लोग भरमा रहे हैं ये बंद हो जाएगा करके ना, तो उनके भरम में नहीं आना है। जब तक आप लोग हम लोग को सरकार में बैठाए रहेंगे तब तक महतारी बंधन का पैसा जाते रहेगा, ठीक है ना? हर महीना जाएगा आप लोगों के खाता में पैसा। ये कांग्रेसी लोग, ये लोग ठगरा लबरा लोग हैं लोग। हाँ, और कभी बंद नहीं होगा महतारी बंधन योजना है ना। और 7 तारीख को आप सब लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में मिले बटन दबा के। मोदी जी को 3रा बार प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को बनाना है ना। हाँ, 3रा बार बनाना है तो सारा विकास का काम होते रहेगा आगे भी। हाँ हाँ हाँ, तो सबको आप लोग अपना है। हाँ बताइए। वो अभी आ जाएगा। और क्या हुआ ना कि केंद्र का पैसा रहता है इसमें, तो ये चुनाव के बाद में आएगा। ये आचार संहिता भी तो लगा है ना, आचार संहिता के बाद आएगा सबका। प्रधानमंत्री आवास भी बनना शुरू होगा। हाँ, घर भी बनना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, आएगा ना, इस साल आएगा कुछ लोगों का। 18 लाख है तो धीरे धीरे सबका बनेगा ना। अभी तो और 3 करोड़ और बनेगा देश में, तो किसी का बचेगा नहीं, सबका पक्का का मकान बन जाएगा। अभी 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 करोड़ और बनवाएंगे पूरे देश में। हाँ हाँ, तो सब झल्ला आए। ये आचार संहिता के बाद निकलेगा, अभी तो आचार संहिता में सब बंद रहता है ना, सब काम धाम नया काम सब बंद रहता है आचार संहिता में। सब काम करेंगे ना धीरे धीरे, ठीक है? और तो आप लोगों का आशीर्वाद मिले 7 तारीख को, 7 मई को कमल छाप में। यही निवेदन करने के लिए आप सब लोगों से फोन लगाए थे। आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस